हेलो दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक्निकल संदीप में। जी हाँ दोस्तों, GIF इमेजेस, आप सभी ने व्हाट्सएप पर GIF इमेजेस देखी होगी या फिर उन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया होगा। तो ये GIF इमेजेस कैसे बनाते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर या ऐप के इस्तेमाल किए बिना। आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट्सएप के लिए GIF इमेजेस कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी एक वीडियो से हम GIF इमेजेस कैसे बनाएं। इसके लिए आपको कोई भी एक अच्छा सा वीडियो जिसका आप GIF इमेजेस बनाना चाहते हैं, वो आपको सबसे पहले डाउनलोड या फिर गैलरी से निकालना होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले से ही सिलेक्ट करके रखा है। आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इसे व्हाट्सएप पर शेयर करना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर उस अकाउंट को ये वीडियो शेयर करना है जिसे आप GIF इमेज शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप पर अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर किया है। शेयर करने से पहले व्हाट्सएप आपको ये वीडियो शेयरिंग करने की या फिर उसके साथ कुछ कैप्शन लिखने की परमिशन मांगता है। उसी समय आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे वीडियो की लेंथ हमें दिखाई देती है। तो इस लेंथ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो की लेंथ 6 सेकंड से भी कम करेंगे तो हमें यहाँ पर राइट साइड में एक GIF ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में मुझे GIF इमेजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मुझे 6 सेकंड का वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जितना भी वीडियो का पोर्शन है मुझे उसे ड्रैग भी कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जितना वीडियो मुझे चाहिए उतना वीडियो रख कर मैं GIF इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने GIF ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरा वीडियो कैसे दिखेगा वो मुझे नीचे दिखाई दे रहा है। तो मुझे सिंपली यहाँ पर इस वीडियो को जो मैंने 6 सेकेंड का वीडियो बनाकर उसे GIF बटन में प्रेस किया है, अब मुझे शेयर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर शेयर किया तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जो GIF इमेजेस बनने के लिए तैयार है। अब ये वीडियो बनने के बाद उस पर GIF का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं अब इसमें वीडियो का ऑप्शन नहीं आकर GIF का ऑप्शन आया है, जिसे मैंने क्लिक करने के बाद ओपन करने के बाद ये वीडियो पूरी तरह से GIF हुआ आपको दिखाई देगा। तो ऐसे बड़ी ही आसानी से आप किसी भी वीडियो को GIF इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इमेज आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ कि हम किसी भी वीडियो को GIF इमेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो आगे देखते हैं हम कि WhatsApp पर इनबिल्ड भी कुछ GIF इमेजेस है। आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये बात पता नहीं होगी कि हम WhatsApp पर इनबिल्ड GIF इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर स्माइली पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक स्माइली और GIF का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर WhatsApp पर इनबिल्ट GIF इमेजेस दिखाई देगी। तो आपको सर्च ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ लिखना है, जैसे मैंने गुड मॉर्निंग, ये मुझे इमेजेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गुड मॉर्निंग की इमेजेस के लिए सर्च किया तो मुझे बहुत सारी गुड मॉर्निंग की इनबिल्ट WhatsApp पर GIF इमेजेस दिखाई देगी। उनमें से मैंने एक सिलेक्ट की है। अब मुझे वो GIF इमेजेस शेयर करनी है। तो ऐसे बड़ी ही आसानी से मैं WhatsApp पर तो बड़ी ही आसानी से दोस्तों आप WhatsApp पर इनबिल्ट GIF इमेजेस भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम किसी भी वीडियो से GIF इमेजेस कैसे बना सकते हैं और WhatsApp पर इनबिल्ट GIF इमेजेस को हम
शेयर कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन टेक्नोलॉजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। दोस्तों इस YouTube चैनल टेक्निकल संदीप पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और मोबाइल जैसे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस नियमित रूप से अपलोड होते रहते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल रंग के बटन को प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्रिप्शन 100% फ्री है दोस्तों। एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो जैसे इस चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपको आपके मोबाइल पर इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।